फ्रेंड्स, वेलकम टू IFS प्लेटफॉर्म। वो कहते हैं ना, अगर नशा भी करना है तो मेहनत का कीजिए, कामयाबी जरूर मिलेगी आपको। कामयाबी ऐसी चीज है जो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो आज चलिए एक और स्टूडेंट से मिलते हैं IFS के, जिनकी सक्सेस स्टोरी जानकर वाकई में बोल सकती हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये सीख तो जरूर मिल जाएगी कि मेहनत करने से कभी भी पीछे मत हटिए। जब तक आप मेहनत का हाथ थामे रहेंगे, सक्सेस निश्चित है। तो लेट्स मीट आकाश चौहान एंड नो हिज सक्सेस जर्नी, कि किस तरह से उन्होंने CSR नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करी और किस तरह से एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। तो हेलो आकाश, होप यू आर डूइंग गुड एंड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून डियर। तो सब कैसा चल रहा है? बढ़िया। यस मैम, ऑल गुड मैम। ऑल गुड। सो हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर द रिजल्ट? कैसी फीलिंग है? उस PDF मैम देखकर कैसा लग रहा है? मैम ओवरवेल्डिंग सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब आई हैव अचीव्ड समथिंग। राइट, चलो मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंट फील आ रहा है। चलो, सक्सेस की उम्मीद तो थोड़ी बहुत कर ही लेते हैं हम, सिंस हम इतनी मेहनत कर रहे थे। पर जो आपने ऑल इंडिया रैंक अचीव की है JRF में, उसकी उम्मीद थी आपको? मैम उम्मीद तो थी, मतलब मेहनत कर रहे हैं तो मतलब उम्मीद तो रखनी ही पड़ेगी मैम। ऑब्वियसली मतलब ये है कि मतलब मेहनत करना ही मतलब ऑब्वियस है। मतलब अगर मेहनत करते हैं ना तो एक ना एक दिन रिजल्ट आता ही है। तो अगर आकाश बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स इन बायोइनफॉर्मेटिक्स, then securing an all India rank 117 in your CSR net examination. So bioinformatics is something which is really a very core field where you are not studying the main core subjects. Like you are studying something which is allied from sciences, or interdisciplinary sciences rather. So how you targeted the 13 units to prepare? मैंने 2019 में मतलब मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुआ था और उसके बाद मतलब मैं मतलब कोचिंग ज्वाइन किया था, एज ए लोकल इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था। तो वहाँ से मेरे मतलब नोट्स वगैरह फिर बिल्डअप किए, मैंने प्रिपेयर किया स्टार्ट से। मतलब अभी भी मेरे को जो नोट्स हैं वो मेरे को काम आते हैं, ऐसे नहीं है। मतलब फिर उसके बाद फिर मतलब कोविड आ गया, कोविड की वजह से मतलब सब कुछ मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया। तो मतलब मैंने 2 दिसंबर 2019 का अटैम्प्ट किया था, उसमें मेरा मतलब इतना स्कोर अच्छा नहीं था। आई स्कोर -20 इन दैट एग्जाम। आप पा ही लेंगे। तो अगर मैं बात करी हूँ आकाश, हाउ यू मैनेज योर टाइम? सिंस कोरोना वॉज रियली अ डिप्रेसिव पीरियड, सो हाउ यू मैनेज योर टाइम्स? व्हाट वर योर लाइक प्लान्स? कि कभी ऐसा नहीं लगा चलो कुछ और कर लेते हैं, ये नहीं करना है तो फिर? यस मैम लगा मैम। एक्चुअली मतलब काफी बार मतलब मेरे पास अप्स एंड डाउन्स भी मिले मेरे को। कई बार मैं डिमोटिवेटेड भी फील करता था कि मतलब अब क्या करूं, मतलब ये CSR क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो कैन आई स्विच टू, मतलब मैं दूसरा करियर देखूं क्या, मतलब टीचिंग फील्ड में जाऊं, कुछ करूं। मतलब मैंने रिसेंटली मतलब ज्वाइन भी किया था स्कूल, ठीक है। मतलब फिर वहां पे मेरे को ना मतलब एनवायरमेंट अच्छा नहीं लगा, तो आई क्विट दैट स्कूल। तो फिर मैं वापस से उसी में आ गया कि मतलब मेरे को ना मतलब करना है तो यही करना है, ठीक है। आई हैव टू फोकस ऑन दैट। ओके दैट्स गुड। तो आगे अगर मैं आकाश बात करती हूँ, तो एक सिंपल सी बात हम देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज रियली अ वेरी ग्रेट स्किल। तो अगर ज्यादा टाइम भी हो जाए तो हम वेस्ट करने लगते हैं। तो आपने वो अगर है ना, हम सोचते हैं अरे हो जाएगा, कल भी तो है, परसों भी है, तो हाउ यू केप योरसेल्फ मोटिवेटेड ऑल अलोंग द ईयर कि नहीं मुझे यही टारगेटेड करना है और इसी में जाना है, और मैं अपना टाइम जो है उसको कैसे वाइजली यूज करूं? मैम एक्चुअली मेरे को मोटिवेशन ना मेरी मदर से मिलता है। वो कॉन्स्टेंटली मतलब बिना कोई शिकायत किए, बिना सब कुछ किए डेली वही काम करना, मतलब इट्स क्वाइट मोटिवेटिंग फॉर मी। तो उन्हीं से मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मतलब अगर ये काम कर सकती है डे बाई डे विदाउट मतलब एक्सपेक्टिंग समथिंग, तो मतलब वाई कांट आई, मतलब मैं क्यों नहीं कर सकता फिर ऐसा। तो फिर मतलब मेरे को उसी चीज से मोटिवेशन मिलता रहा है, और वही चीज मेरे को मतलब जितना भी मेरा मतलब रिजल्ट खराब रहे हैं उन्हीं उस चीज ने मेरे को मतलब मोटिवेट किया है, आगे बढ़ाया है और होप आगे भी बढ़ाएगा। ओके लाइक यस, बहुत बड़ी बात है कि राइट ऐसा ही बात है। मदर डेली डे इन एंड डे आउट
She does each and everything for us, and definitely without getting bored, without getting complaints. So why can't we? Why can't I? So really great to know that, Akash. So moving forward, Akash, what you are trying or pursuing to do in your future or in your career? Like ये तो एक first step रहा ना JRF clear करना. आगे आपने क्या सोचा है? I'm actually मैं मतलब PhD करने का ही सोच रहा हूँ. Research मेरे को ना research career बनाना, research field में career बनाना है. एज ए बायोइन्फॉर्मेटिशियन मेरे को पता है कि मतलब बाकी जॉब्स भी रहती हैं, जैसे ऐसे डाटा एनालिस्ट वगैरह रह गया, कंपनी वगैरह में रह गया, ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ. बट मेरा फोकस मतलब मेनली ना रिसर्च के ऊपर है. मेरे को रिसर्च फील्ड में मतलब अपने लिए जगह बनानी है. दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CSIR. ठीक है, ठीक है, ओके. तो अगर रिसर्च में जाना है तो लाइक अगर मैं बात करती हूँ तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी तो एक कोर फील्ड थी, ठीक है. यस मैम. वहाँ से आप डाटा साइंटिस्ट वगैरह की फील्ड में भी जा सकते थे. But still you have chosen CSIR thing. So are you interested in a wet lab work or you are like wet lab or in silico bhi karna hai? Mam, dono ka hi interest hai mere ko. Matlab main wet lab ka bhi try karna chahta hu, dry lab ka bhi saath mein. Okay, like haan, theek hai. Main khud hi apne data ko simulate bhi karna chahta hu. Okay, fine. Yes, मतलब वेट लैब भी मेरे हाथ में रहना चाहिए, ड्राई लैब भी मेरे हाथ में रहना चाहिए. चलिए अच्छी बात है, बिकॉज डेफिनेटली आप जो भी वेट लैब में काम होगा तो bioinformatic tools are required to assess each and I will say a very simple simple thing like just talking about the primer designing also and even PCR ka ek simple sa step bhi le le to usme bhi hame bioinformatics ki zarurat padi jati hai. That's good, that will be an add on feature to your research career definitely. So agar Akash we discuss karte hain aise to aap abhi jo students aapko dekh rahe hain, jo bhi hamare viewers dekh rahe hain, aap unhe kya suggestion dena chahenge? CSIR examination को किस तरह से टारगेट किया करें? मैम मेरा बस एक ही सजेशन है कि मतलब कांस्टेंट रहिए, रिजल्ट की चिंता मत करिए. और मेरा मतलब एक क्वेट है, मतलब वो मैं हमेशा से फॉलो करता आ रहा हूँ, पेन ऑफ रिग्रेट इज बेटर देन पेन ऑफ फेलियर. राइट, मतलब पेन ऑफ फेलियर इज बेटर देन पेन ऑफ रिग्रेट. सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने थोड़ा. पेन ऑफ फेलियर इज बेटर देन पेन ऑफ रिग्रेट. ये मैं मतलब स्टार्टिंग से मानता आ रहा हूँ. और मतलब हम मतलब काफी बार फेल करते हैं, ठीक है, काफी बार फेल करते हैं, मतलब हमें डिमोटिवेटिंग फील होता है, ठीक है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम उस चीज को आगे ट्राई ना करें. यस, जब तक उस चीज में हमको सक्सेस नहीं मिल जाती तब तक ट्राई करना चाहिए. आई वुड से दैट. राइट, सो लाइक अगर हम सक्सेस का कोई मंत्र बोल दें तो दैट इज ट्राई ट्राई अंटिल यू सक्सीड. दिस इज ओनली द मंत्र व्हिच इज फ्रॉम ऑफ कोर्स आकाश हु हैज क्लियर द अपकमिंग हु हैज क्लियर द एग्जामिनेशन and definitely seeking forward to make a research career. So Akash, like agar hum main baat kar rahi hu, online platform hai, n number of apps hai, there is a lot more of distraction. So why you chose IFS amongst all these things? I got to know about IFS from my senior friend who guided me to go through the videos and clear your concept. Okay. And matlab 2021 की बात है ये. 2021 में मेरे को पता चला था कि IFS के बारे में. तो फिर मतलब मैं ऐसे ही वीडियोस स्क्रॉल कर रहा था, वहाँ पे मेरे को केसी सर का लेक्चर मिला, ठीक है, केसी सर का. मैंने बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर अटेंड किए, विशाल सर के मतलब ऑनलाइन लेक्चर्स थे जो कि सिग्नलिंग के लेक्चर्स थे वो भी अटेंड किए. और विशाल सर मतलब इज अ जेम मैन, इज अ जेम. राइट, नो डाउट ही इज. सो वन थिंग यू विल डेफिनेटली रिमेंबर अबाउट द क्लासेस ऑफ IFS जो भी आपने देखा उससे. मैम एक्चुअली एक मेरे को चीज हमेशा याद रहेगी कि मतलब जैसे विशाल सर इंटरेक्ट करते हैं ना क्लासेस में, कि मतलब जैसे बच्चे मतलब जब आंसर ठीक करते हैं उनको इंटरेक्ट मतलब एज ए प्राइज के तौर पे उनको मतलब कैडबरी सेलिब्रेशंस हो गया, ट्रॉफीज वगैरह हो गई, ऐसे डिजिटल वर्चुअली ये सर. राइट राइट, ये सब तो दिल तो अभी भी बच्चा है, इन सब चीजों के लिए क्रेव करता रहता है. बिल्कुल डेफिनेटली हम एंजॉय करते हैं एक लर्निंग प्रोसेस. And वो learning is like a fun for us, not a burden for us. Definitely, Vishal sir is too proud to see you here at this platform giving interview. And of course, our team is definitely with each and every one student. So, Akash, like एक long journey थी, बहुत सारे highs आए होंगे, बहुत सारे low आए होंगे. कोई एक ऐसा point जहाँ आपको लगा होगा कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा? मैम ऐसा था, पॉइंट काफी था मतलब, पर वो ऐसा था कि मतलब 2-3 दिन के लिए रहता था मेरे साथ, कि मतलब 2-3 दिन मतलब मैं डिमोटिवेटेड फील करता था. फिर एकदम से मेरे को बूस्टअप मिलता था, मेरी मदर से ही बूस्टअप मिलता था मेरे को. एंड आई स्टार्टेड अगेन, मैं दोबारा से फिर वही ट्राई करता था, मतलब मेरे को करना है तो करना है.
ओके मींस देयर इज नॉट लाइक कि कोई एक इजी सेल नहीं रहता है, डेफिनेटली देयर आर मेनी वेव्स व्हिच यू नीड टू ओवरकम. एंड अगर मैं बात कर रही हूँ आकाश, तो लाइक हम हमेशा अपनी जर्नी में या किसी भी लाइक लाइफ की जर्नी की अगर मैं बात करती हूँ, यू एडमायर सम पर्सन, यू लाइक यू एडमायर देयर क्वालिटीज, यू वुड लाइक टू इनकल्केट सम क्वालिटीज विद इन योर सेल्फ. सो हु इज द रोल मॉडल इन योर लाइफ? I'm actually मेरे role model मेरे parents हैं, मेरी families, मेरे family वाले हैं, मेरे teachers हैं, मेरे friends हैं, मेरे लिए सभी role models की तरह behave करते हैं. मैम मेरे को मतलब ना जहाँ से मतलब मेरे को मिलता है I try to learn. मैम मेरा यही है मैम. Okay okay like जो भी positive बातें आपको अच्छी लगेंगी definitely you will take it and inculcate it in your character, in your behavior. That's really very good because and each and every person is very kind of unique in its own way. तो फर्दर अगर मैं बात कर रही हूँ तो देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे अगर मैं बोल रही हूँ व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, तो देर इज एन नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस रेदर देन स्टडीज. तो हाउ यू फोकस योर ऑल अटेंशन टुवर्ड्स स्टडीज रेदर देन गेटिंग मोटिवेटेड टुवर्ड्स द इंस्टाग्राम रील और आई विल से द स्नैपचैट और द टेलीग्राम? I'm actually मैं एक पर्सन नहीं हूँ कि मतलब जो सोशल मीडिया पे इतना इंटरेक्ट करता है. मतलब मैं एक शाई ही टाइप का बंदा हूँ. मतलब मैं सोशल मीडिया पे बहुत ही कम टाइम स्पेंड करता हूँ. एक्चुअली अगर कैलकुलेट करें ना तो जो एनालिटिक्स रहता है उनका वो मतलब 2 या 3 मिनट में स्पेंड करता था पूरे हफ्ते में, बस इतना ही टाइम स्पेंड करता था मैं, इससे ज्यादा नहीं. 2 or 3 minutes, that's really commendable. Yes, ma'am. Okay, means like you didn't have a very much fluctuation or inclination towards the apps and all that, you will be distracted since you were very much focused. So for preparing any kind of examination, dear students, focus is everything. If you aim high, you need a high amount of focus, है ना? Laser beam की तरह focus होना चाहिए आपका. उसी की help से आप किसी भी examination को बहुत clearly अपने latest attempts में अपने 100% के साथ clear कर सकते हैं. So this was the thing which was explained by Akash. And any other thing, Akash, you would like to say to our viewers? I'm बस यही बोलना चाहूँगा कि मतलब result की चिंता मत करिए, बस consistent रहिए, मेहनत करिए, ठीक है? और मतलब ups and downs आएंगे life में, ठीक है? सबके आते हैं, एक ना एक दिन सबका मतलब time आएगा. Okay, so बस लगे रहो, बढ़ते रहो आगे, जीत आपकी ही है. So all the best again, Akash, to you. With this, we'll end the interview with Akash. आई होप आप सभी को ये जर्नी बहुत ही अच्छी लगी होगी, किस तरह से एक मास्टर्स इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्टूडेंट्स भी एग्जामिनेशन को आराम से टारगेट कर सकता है और एक ऑल इंडिया रैंक भी अचीव कर सकता है. एंड आपको इस इंटरव्यू की क्या खास बात लगी जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. मिलते हैं जल्दी ही विद अ न्यू सक्सेस स्टोरी. थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग.